कोई सबूत पेश कर दे। है कोई ऐसा माए कलाल, कोई माँ जिसने ऐसा बच्चा जना हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालची, हरीस, लस्ट, जालिम, फासिक, फाजिर साबित कर दे। अब्दुल्ला जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। आप कहेंगे कि पढ़ो इंसाइक्लोपीडिया, मैं बताऊंगा कि लाओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, लाओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन, लाओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मैं तुम्हें पढ़कर बताऊंगा। अल्लाह का फजल है, उलमाए कराम के दुआओं के नतीजे में दुनिया की कोई ग्रंथ ऐसी नहीं बची है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल्ला की नजरों से अभी तक ना निकाली हो। मैंने पूरी दुनिया के ग्रंथों को खंगाल कर देखा, हर ग्रंथ के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम को इंसानियत के पैगाम को आम करने वाला करार दिया गया। इस धरती पर इंसानियत का, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? क्रिश्चियन। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की पवित्र चरित्रीन सिफात को लिखने पर मजबूर हुआ। वो अपनी किताब में लिखता है, अगर मोहम्मद लालची होते, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई ऐश परस्त होते, तो कुफ्फारे मक्का का एक बहुत बड़ा मजमा आप अलैहिस्सलाम के चचा के पास पहुंचा था और कहा था कि अबू तालिब, अपने चचा अपने भतीजों को क्यों नहीं रोकते हो? ये नए दीन की तबलीग कर रहा, ये बोल रहा है कि मैं इंसानियत का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं इंसानों का हमदर्द हूँ, तुम अपने मोहम्मद को, तुम अपने भतीजे को रोक लो, उसकी जुबान के उसके होंठों को सिल दो, वो जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर उसको अरब के खजाने चाहिए, हम सारे गुरु घंटाल आए हुए, वो थे रावण की औलाद, वो भक्षक थे, वो भक्षक शैतान और राक्षस की औलाद थे वो। उन्होंने कहा कि मोहम्मद को रोक लो, जिस दीन की तबलीग कर रहा, जिस पीसफुल मैसेज को आम करने की कोशिश कर रहा, इस्लाम रोक लो, जिंदाबाद, तुम रोक लो, इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अनु, हजरत अली रजी अल्लाह अनु, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कबर चतुर्वेदी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप अलैहिस्सलाम के चचा के पास उन कुफारों ने, उन मुशरिकीन ने, उन दुश्मनों ने एक प्रोपेगेंडा स्कीम बनाया और कहा कि ख्वाजा अबू तालिब, अपने भतीजे को रोक लो, उनके हाथ में बंदिश लगा दो, अगर खजाना चाहिए तो देने के लिए तैयार हैं, अगर स्विस बैंक में अकाउंट चाहिए तो करंट अकाउंट खुलवाने के लिए तैयार हूँ, अगर इस धरती की हसीना से शादी करना चाहता है मोहम्मद तो उनको कहो कि रुक जाए, तमाम हसीनाओं को जमा करते हैं, मोहम्मद जिसको पसंद करेगा हम उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह करवा देंगे। ये नहीं अगर मोहम्मद को पीएम की कुर्सी चाहिए, अगर मोहम्मद को सीएम की कुर्सी चाहिए, या मोहम्मद रसूलुल्लाह को जज बनना है, कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, मंत्री बनना है, कुछ भी बनना हो तो बोलो, मोहम्मद की इस ख्वाहिश को हम लोग पूरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये बात चैलेंज है, आज तक लिखी हुई। उस क्रिश्चियन ने कहा, अगर मोहम्मद लालची होता, अगर मोहम्मद ऐश परस्त होता, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के पुजारी होते, इख्तदार के पुजारी होते, कुर्सी के लालची होते, तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम फौरन कहते कि ठीक है, From today I believe and I leave everything. मैं तमाम चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुर्सी चाहिए, कुर्सी दे दो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब क्या था? दुनिया के अंदर मोहम्मद को नफरत की निगाह से देखने वालों, अमन की बात करने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र को बदनाम करने वाले बहरूपियों, गुरु घंटालों, नबी पाक अली सलाम का जवाब था जो तमाम इंसानों के लिए, ये कोई कुरान या हदीस इसकी मैं तफसीर आपके सामने नहीं रख रहा हूं, बल्कि 100 बुक के अंदर जो क्रिश्चियन राइटर ने वो बात जो लिखी, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया के उद्योगपति लोगों, ये तो कुछ नहीं है, मोहम्मद कहते हैं, अगर एक हाथ में चांद को ला कर रखो, दूसरे हाथ में सूरज को ला कर रख दो, और तब भी तुम ये कहो, उसके बाद तुम ये कहो कि मोहम्मद अब तुम रुक जाओ, मैं उस वक्त भी नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि मैं जिस पैगाम को लेकर चला हूं वो इंसानियत की भलाई के लिए, वो मानवता के लिए है, वो हमदर्दी के लिए है, वो भटके हुए लोगों को एक ईश्वर से मिलाने का रास्ता है,
वो रास्ता है अमन का, शांति का, प्यार का, मोहब्बत का। आज नफरत की निगाह से देखने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र को कम से कम अपने अपने ग्रंथों के अंदर तो पढ़ लिया होता। अगर कोई क्रिश्चियन में से बोलता है तो मैं उनको दावत देता हूँ कि 100 बुक को पढ़िए। अगर कोई बुद्धिस्ट बोलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह चरित्रहीन थे, मैं कहता हूँ कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की किताब पाली जबान में लिखी हुई आज भी मौजूद है, पढ़ो, वहां पर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र का पता चलेगा। अगर हिंदू धर्म के अंदर हमारे कोई हिंदू भाई बोलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐश परस्त थे, उन्होंने 11 शादियां की थी, तो हम भी कहते हैं आप पढ़िए अपने भविष्य पुराण को, आप पढ़िए अपने ऋग्वेद को, आप पढ़िए अपने यजुर्वेद को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया, यात युवम भूवम देवः स्वयं शावतरने रतः अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मामहे मेगावा चैतिष्ठो असुरो मगोणा त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्रेर वैश्वानरः। 10,000 फौज को लेकर भी अपने जानी दुश्मन को सीने से लगाने वाला, अगर कोई इस कायनात के तमाम इंसानियत में, तमाम इंसानों में कोई इंसान नजर आता है तो वह सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक्दस नजर आता है। अगर कोई कोई सिख भाई बोलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र के बारे में तो हम कहते हैं कि आप तालमूद उठा करके पढ़िए। अगर कोई जुड़ाइज्म बोलता है हम कहते हैं कि आप अपने आदि ग्रंथ को उठा करके पढ़ लीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया कि मोहम्मद सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे, जो कि इंसानियत का पैगाम दे रहे थे पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। आज जो लोग खास करते हैं कि आप अलैहि सलाम तो मुसलमानों के नबी थे, गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी होते तो सिर्फ कुरान में और हदीस में उनका तज़किरा होता, लेकिन मोहम्मद कुरान और हदीस के अंदर उनका तज़किरा महदूद नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का, यहाँ तक कि आपके सहाबा का भी तज़किरा दुनिया की जो बड़ी बड़ी किताब है पुरानी ऋग्वेद के अंदर मौजूद है। सहाबा किराम का तज़किरा भी मंत्र मैंने पढ़ा, अनसवंता सतपतिमामहे मेघावा चैती दस मालाएं 300 घोड़े और 10,000 गाय दिए जाएंगे। किनको? मामहे को, यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मामहे को, मोहम्मद को शॉर्टकट में संस्कृत जुबान के अंदर मामहे कहा गया। एश ईशाए मामहे, ईश्वर ने मामहे को, मोहम्मद को 10 मालाएं 300 घोड़े और 10,000 गाय, 10 शतरंज ये चीजें दी गई। 10 मालाएं से मुराद आप अलैहि सलाम के पास 10 मालाएं क्या है? 10 माला, माला चूंकि गले में पहनते हैं औरतें लगाती, तो 10 माला जो गले के इर्द गिर्द हो उसको माला बोलते हैं। और आप अलैहि सलाम के पास भी 10 सहाबी ऐसे थे जो हर वक्त आपके आगे पीछे रहा करते थे, और वो कौन थे? अशरा मुबशरा, चारों खुलाफा और 6 अलग से सहाबा कराम थे। वो हमेशा ऐसे रहते थे, एकदम बिल्कुल आगे पीछे आप अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, बॉडीगार्ड बनकर नहीं। कोई ये समझे कि बॉडीगार्ड बनकर, जैसे आज करोड़ों रुपए किस में खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है जनाब जेट एयर हाई जेट सिक्योरिटी के लिए कि कहीं किसी तरफ से अटैक ना हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कोई सिक्योरिटी, कोई बॉडीगार्ड उनका नहीं था। साहबी थे, साथ में रहते थे ताकि कोई वही आए या कोई आप अलैहिस्सलाम बात बताएं तो उनको फौरन महफूज किया जाए, उनको कलम बंद किया जा सके, उनको याद किया जा सके। 10 मालाएं से मुराद 10 सहाबी हैं वो, अशरा मुबशरा। उसके बाद 300 घोड़े, 300 घोड़े दिए जाएं। ये पेशीन गोई है, अगर मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के नबी होते तो आशरे मुबशरा का तज़किरा कुरान और हदीस के अंदर तक महदूद रह जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि मोहम्मद सनातन धर्मी भाइयों के लिए भी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्रिश्चियन के लिए भी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैन के लिए भी थे, बुद्धिस्ट के लिए भी थे,
सबके लिए थे, इसलिए सबकी किताबों के अंदर अल्लाह ने कहा कि एंड यू डोंट वरी एंड आई मेंशन एवरी ऑथेंटिक बुक्स एंड एनीवन वांट्स टू फाइंड आउट ऑफ योर हिस्ट्री इन द लाइफ एंड द लाइफ बैकग्राउंड योर लाइफ बैकग्राउंड एंड डेफिनेटली वेरी इजीली एंड एवरीवन कैन इजीली फाइंड आउट आपकी हिस्ट्री को बड़ी आसानी के साथ निकाला जा सकता है, पढ़ा जा सकता।